इंसान की तख्लीक का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ही है, तो अब हम ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि इबादत किस चीज़ का नाम है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि इबादत किस चीज़ का नाम है। ये तौहीद के मुतालिक छठा वीडियो है। अगर आपको मालूम नहीं है इबादत क्या चीज़ है तो ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं। सवाल यह है कि इबादत की तारीफ क्या है, यानी इबादत कहते किसे हैं? जवाब, इबादत उन तमाम अक्वाल अफ़ाल का नाम है जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाए, मसलन दुआ, नमाज और कुर्बानी वगैरह। फरमान इलाही है, इसकी दलील क्या है कि दुआ, नमाज और कुर्बानी ये इबादत है? इसकी दलील है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हदीस नबी है, वमा तकर्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा अफ्तरज़्तुहु अलैह। मेरा बंदा किसी चीज़ के साथ मेरा क़ुर्ब हासिल नहीं करता जो मुझे उन चीज़ों से ज़्यादा महबूब हो जो मैंने उस पर फ़र्ज की है। ये बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 6502। दोस्तों, हमने जान लिया कि इबादत किसे कहते हैं। इबादत नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि वो अफ़आल व अक़वाल जिनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है उसको हम इबादत कहते हैं, मसलन दुआ, नमाज, कुर्बानी वगैरह। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।